ओम शांति। आज है 13 सितंबर 2024। तो आइए सुनते हैं मीठे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सर्वात्मों को कर्म बंधन से सलवेज करने वाले सलवेशन आर्मी हो। बच्चों के लिए बाबा आज क्या कह रहे हैं? तुम सर्वात्माओं को कर्म बंधन से सलवेज करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है, क्योंकि सलवेज करने वाले ही फंस गए तो कौन छुड़ाएगा दूसरों को कर्म बंधन से, यदि खुद ही फंस गए तो। बाबा ने कहा, तुम्हें खुद फंसना नहीं है किसी भी कर्म बंधन में। आज मुरली का प्रश्न है, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी? उत्तर है, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। तो बाबा ने क्या प्रैक्टिस करने को कहा आज? इस देह से डिटैच होने की प्रैक्टिस करेंगे दिन में कई बार। बाबा ने कहा कि जितना जितना डिटैच होंगे उतना उतना आत्मा के अंदर शक्ति वापिस आएगी, बल भरेगा। और बाबा ने कहा कि तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो तो डायरेक्शन बाबा देते, अटेंशन प्लीज, कि बस एक बाप की ही याद में रहो। आगे बाबा ने कहा, ओम शांति। बाबा कहते, ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहां मिलिट्री खड़ी होती है वो फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहां भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। आगे बाबा कहते, अटेंशन बाप की याद में हो, बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बिगर तुम विकर्मा जीत अथवा सत्व प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। मूल बात ये है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये है सब इस समय की बातें जो फिर उस पार ले गए हैं। वे भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो, अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, गुम हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुम हो जाते, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान न सके, क्योंकि तुम गुप्त हो ना, तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन बिचारों का कल्याण होगा। अब तुमको बिचारा कहेंगे ना, स्वर्ग में बिचारे होते नहीं। बिचारे उनको कहा जाता है जो कहां बंधन में फंसे रहते हैं। ये भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है, बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस होकर रहो। सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है, तभी तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हे मांझी, सबकी नैया फंसी पड़ी है, उनको सलवेज कौन करे? वो कोई सलवेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है।
वास्तव में सल्वेशन आर्मी तो तुम हो जो हर एक को सल्वेस करते हो। जब पांच विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो अर्थात सल्वेस करो माना छुड़ाओ। तो बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं, बाप को भगवान भी कहते हैं। इस समय की ही सभी बातें हैं, तुमको फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं क्योंकि हिंसक हैं, अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वे तो पवित्र आत्मा ही आती हैं, वे तो अपवित्र हो ना सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने कारण उनकी आत्मा और शरीर को दुख मिल ना सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता है, तो दूसरों का भी नहीं होता है। हर एक बात पर विचार करना होता है, वहां से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डायनेस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डायनेस्टी है, सन्यासियों की भी डायनेस्टी थोड़ी चलती है, राजाएं थोड़ी बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं, तो वो जब आते हैं स्थापना करने तो नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्धि, इब्राहिम ने इस्लाम, सबके नाम से राशि मिलती है। देवी देवता धर्म का नाम ही नहीं मिलता है। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वे देहधारी नहीं है, और जो धर्म स्थापक हैं उनकी देह के नाम है। ये तो देहधारी नहीं, डायनास्टी नई दुनिया में चलती है। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वे तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वो झूठी शांति हो जाती है, माना बाहर की शांति है ना। बाबा तो मन की शांति सिखलाते हैं ना। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा धर्म ही शांत है, फिर याद किसको करना है। अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। ये ज्ञान और कोई को नहीं है। मनुष्य ये थोड़ी समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच होकर बैठना है। यहाँ तुमको वो बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस जाना है, हम वहां के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे, और कोई थोड़ी समझते हैं हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापस जा ना सके, ना कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसी को याद करो। बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसी को है नहीं कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे ये किसी को भी पता नहीं है, आवाज सुनाई देगा, माना ऐसे शिव शिव बोलते रहेंगे। सो तो जरूर आवाज होगा ही, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना। बाप ने कहा है ना, हे अर्जुन इन सब को छोड़ो, सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं। सतगुरु तारता है। बाप कहते हैं मैं तुमको आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विषय सागर से पार जाना है। ये सब बातें समझाने की है। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए नाम पड़े हैं। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा अर्थात प्राणों का दान देने वाला बाबा, वो अमर बना देते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है, आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए, फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है, आत्मा बिगड़ तो शरीर में ही बांस आ जाती है।
फिर उनको रख करके क्या करेंगे? जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बांस होती है, तो भी उस मुर्दे को छोड़ते नहीं, लटकाए रखते हैं ऐसे अपने सीने के साथ लेके घूमते रहते हैं। तो बाबा कहते, वे तो जानवर हैं, तुम तो मनुष्य हो ना, शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो, मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब वहां अंदर घुसते हैं शमशान में, पूजा आदि कर समझते हैं कि स्वर्ग जा रहा है, तो उसे फिराकर मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है, नरक को लात मारा है। श्री कृष्ण का ये शरीर तो है नहीं, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाप समझा कर फिर कहते हैं, मन मना भव, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन, बुद्धि बाप में लगी रहे, तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर है, माना सदा के लिए है, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं, याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है, याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद कर कर बैठते हैं, कोई कोई तो स्त्री का मुख नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का सुदर्शन चक्र फिराना है। भक्ति में आंखें बंद करके बैठते हैं कि स्त्री की शक्ल दिखेगी तो बुद्धि डगमगा ना जाए, लेकिन बाबा ने यहाँ बच्चों को आंखें खोल कर याद करना सिखलाया है और देह भान से न्यारा होकर बैठना सिखलाया है। तो इसलिए बाबा कहते, तुम तो सुदर्शन चक्कर फिराते हो, तुम लाइट हाउस हो ना, ये है दुख धाम। एक आंख में दुख धाम और दूसरी आंख में सुख धाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं, तुम अपनी भी संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद जरूर करना है, जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वे तो एक दो को राम राम करते हैं, उनको बोलो आपको पता है ये दुख धाम है, वे है शांति धाम और सुख धाम, आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो। ये तीन चित्र किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है, आपको इशारा देते हैं। लाइट हाउस भी इशारा देता है, ये नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य मनुष्य को सलवेज नहीं कर सकते, वे तो सब है आर्टिफिशियल हद की बातें, ये है बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वो नहीं है, वास्तव में सच्ची सेवा ये है, सभी का बीड़ा पार करना। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्यों की क्या सर्विस करें। मावा कहते, वैसे तो सोशल सोसाइटीज होती हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, वो भी दुनिया का बहुत कल्याण की भावना से कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन नैया को पार लगा देना इस भव सागर से, ये सेवा तो तुम बच्चे कर सकते हो। आगे बाबा ने कहा, पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। मिलने का रास्ता तो बाप ही बताते हैं, वे समझते हैं ये शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहते हैं, फिर आखिर कोई ना कोई रूप में मिलेगा। भक्ति में ही सिखाते ना कि बस जपते रहो, कभी ना कभी तो भगवान मिल जाएंगे, है ना, तप करते रहो। तो बाबा कहते वहां दिलासे देते हैं, कब मिलेगा, ये बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है, तुमने चित्र में दिखाया है। एक को याद करना है, जो भी धर्म स्थापक हैं वे भी ऐसे इशारे देते हैं क्योंकि तुमने शिक्षा दी है, तो वे भी ऐसे इशारे देते हैं। साहिब को जपो, वो बाप है, सतगुरु, बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा तो कोई जानते नहीं,
तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है, और किसी को बाबा नहीं कहेंगे, परंतु वो निराकार तो है नहीं, शरीरधारी है। शिव तो है निराकार सच्चा बाबा, वो तो सबका बाबा हुआ, सब आत्मय और शरीर हैं। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे, है ना? किस धुन में बैठना है कि हम आत्मय हैं, अशरीरी हैं, शिव बाबा सच्चा बाबा है, वो हम बच्चों को भी ज्ञान देने और हमारे डूबे हुए बेड़े को निकालने आए हैं। इस धुन में बैठना है जब ये आदमी बैठते हैं। तो बाबा कहते तुम तो अभी फंसे हुए थे, अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है। बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते नहीं, सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं मोचरा खाकर थोड़ी ही मानी लेनी है, मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है, मानी कम मिलती है। थोड़ा मोचरा, मोचरा माना सजा, मानी माना रोटी, सिंधी भाषा के शब्द हैं। बाबा कहते थोड़ा मोचरा माना सजा तो मानी अच्छी मिलेगी, माना सजा थोड़ी सी मिले तो पद अच्छा मिलेगा, अगर सजा ज्यादा खानी पड़ी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये है कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो अपने धर्म में आ सके, बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ, अगर साक्षात्कार भी हुआ तो बाबा कहते इसमें क्या फायदा, देखने से तो कोई जा नहीं सकते। जबकि बाप को पहचानने और नॉलेज ले, पहले बाप को पहचानना पड़े, ज्ञान धारण करना पड़े, माना पढ़ाई पड़े, तभी तो वो पद पाए ना नई दुनिया में जाने का। सब तो आ ना सके, देवताएं तो बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना, परंतु वो थे पावन। ये है पतित, पतित को देवता कहना शोभता नहीं। ये एक ही धर्म है जिससे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है, आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते। हम बच्चों का मोस्ट बिलव्ड बाप है जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाप कैसे आएंगे? बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पांव है नहीं, इसलिए इसमें प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, वो सब हैं आसुरी दुनिया में। ये बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम ना दैवी संसार में है ना आसुरी संसार में है, तो कौन से संसार में हम हैं ईश्वरीय संसार में। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं वो मेरा घर है, तुम्हारी खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। बाहर सुख धाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़ी आता हूँ, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड में भी सब आते हैं, अभी भी वहां मालिक बन बैठे हैं जिनको बाकी आना है। अभी आत्मा है ना आने वाली, परंतु वो आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। समझाते तो बहुत है, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, वंडर है। यहाँ कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे फिर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ मधुबन में, ब्राह्मणी का काम है जांच करके लाना। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकुआ प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
आज धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है, सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट है, अपने शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है, याद में आंखें खोल कर बैठना है, बुद्धि से रचता और रचना का सिमरण करना है। वरदान है, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आगे बाबा ने बताया कि बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शांति स्वरूप बनाओ। संकल्प में भी अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। स्लोगन है, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो सबके प्रति दृष्टि में क्या रखना है, रहम भाव रखना है, शुभ भावना रखनी है, तो अभिमान भी खत्म हो जाएगा और अपमान भी खत्म हो जाएगा। ये फीलिंग ही नहीं आएगी हमें कि हमारा कोई अपमान कर रहा है, क्योंकि हम देह भान से न्यारे होते जाते हैं। ठीक है, ओम शांति।